दोस्तों, जब आपकी वॉशिंग मशीन से पानी टपक रहा है तो हमें क्या करना है, और मोटर की स्पीड भी नहीं बढ़ रही है तो तब हमें क्या करना है, यही आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। देखिए दोस्तों, ये एक LG की मशीन है और इसमें लगातार पानी भी आ रहा है और इसकी मोटर की स्पीड बहुत कम है। जो हमारी स्पिन वाली मोटर है वो बहुत धीरे धीरे चल रही है, कपड़े को नहीं सुखा रही है। तो दोस्तों, आप कोई भी वॉशिंग मशीन ले लें, पीछे से इस तरीके से इसका कवर उतारें। कवर उतारने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हमें ये वाली चीज़ यहाँ पानी रोकने के लिए हमें ये खोलना होता है। यहाँ खोल दो और यहाँ थोड़ी सी डस्ट या रेसे टाइप का कुछ जम जाता है, बस इसको निकाल दीजिए, आपका पानी ये बंद हो जाएगा, फिर पानी पाइप से बाहर ड्रेन नहीं होगा। इसके बाद यदि आपकी मोटर की स्पीड कम है तो ये इसमें एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मल्टीमीटर को आपको कैपेसिटर रेंज में ही चेक करना होता है। तो दोस्तों, हम इसकी वैल्यू भी बता देते हैं। मशीन में जो हमारा कैपेसिटर होता है, स्पिन मोटर के लिए 4 माइक्रोफेरड और कपड़े धोने वाली के लिए 10 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर होता है। इसमें ये 4 वायर होते हैं दोस्तों। या तो ये कनेक्टर पे यहाँ चेक कर सकते हैं कैपेसिटर की वैल्यू, या कैपेसिटर से ये वायर काट लें और यहाँ से डायरेक्ट चेक कर लें। तो दोस्तों, यदि हमारा कैपेसिटर भी सही है, इसकी वैल्यू भी सही है, तो फिर हमें मोटर चेक करनी चाहिए। मोटर को हम बल्ब से भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी इसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको दोनों कंडीशन में आपको चेक करके दिखाएंगे। एक बार इसका हम कैपेसिटर भी चेक करके दिखाएंगे और मोटर की रेजिस्टेंस भी चेक करके दिखाएंगे कि मोटर को कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। सब चीज़ चेक करने के बाद भी इसमें कुछ ख़राब नहीं निकला, सभी चीज़ इसमें ठीक है, मोटर भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है। तो दोस्तों, कमी क्या है? कमी है इसमें ऑयलिंग की। तो दोस्तों, हमें इसमें ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग कहाँ करना है ये आप देख लीजिए, ऑयलिंग कौन सा करना है। तो दोस्तों, ऑयलिंग हमें इसमें सिलाई मशीन का या मूवी ऑयल करना है। चलो आओ, सबसे पहले हम ये आपको मोटर चेक करनी बता देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस रेंज में रख लेते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ आप मल्टीमीटर में देखिए, ये देखिए, ये यहाँ ये 500 ओम दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ ये 100 ओम दिखा रहा है। तो ये हमारी दोनों वाइंडिंग बिल्कुल करेक्ट है, 500 ओम नहीं है, वो गलत दिखा रहा है। तो 100 और 150 ओम यहाँ दोनों कॉइल की रेजिस्टेंस आएगी। तो दोस्तों, दूसरी मोटर भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको एक बार कैपेसिटर फिर दोबारा से चेक करके दिखाएंगे। कैपेसिटर भी आप माइक्रोफेरड में मल्टीमीटर को रखें, चेक करें और मल्टीमीटर से कैपेसिटर की वैल्यू चेक कर लें। तो दोस्तों, जो हमने ये ऑयल दिखाया है, ये देखिए, ये मशीन का ऑयल है, ये हमने इसमें डाल दिया था और इसमें यहाँ ये सॉफ्ट इसकी बहुत टाइट हो रही थी, बस यही है कि गाद जम गई थी, बहुत हार्ड हो रही। तो जैसे ही हमने ऑयल इसमें डाला, इसकी गंद यहाँ से साफ हो गई और ये चलनी शुरू हो गई। देखिए मोटर कितनी स्पीड से चल रही है। तो दोस्तों, इसमें बस ऑयलिंग की कमी थी। तो दोस्तों, हमने वॉशिंग मशीन को एक एक चीज़ आपको चेक करके दिखाया है, कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, मोटर कैसे चेक करते हैं और दोस्तों ऑयलिंग कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने आपको इसमें ये कपड़े धुल के भी दिखा दिए हैं, अब ये कपड़े भी धुल रही है, बिल्कुल एकदम सूखा निकाल रही है। पहले ये स्पीड ही नहीं पकड़ रही थी, कपड़े नहीं धुल रही थी। तो दोस्तों, अब हमारी मशीन बनकर एकदम तैयार हो गई है। यहाँ फिर ये
ऐसी पन्नी लगा देते हैं जिससे यहाँ पानी ना जाए, और ये हम पीछे का कवर फिर ऐसे ही बंद कर देते हैं। देखिए ऐसे ऐसे इसको लगाते हैं, यहाँ टूट करके ऊपर को ऐसे फंसा देंगे और अपने इसके मेच मेच ये लगा देते हैं। तो दोस्तों जब आप ये फिट कर लें फिर लास्ट में एक बार आपको फिर टेस्ट करा देंगे, और टेस्ट कराने के बाद ये हमारी एकदम मशीन बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये देखिए एकदम हमारी मशीन बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों हमने ये दोबारा से फिर आपको टेस्ट करा दी है, इसमें ये आवाज़ भी आ रही है चलने की। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चलो फिर मिलते हैं।